हेलो व्हाट्सअप, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग कर देंगे शुरू, हमेशा की तरह आज भी कॉलेज सुबह सुबह उठता हूँ। सर्दी हो गई है और सर्दियों में सुबह सुबह उठना, ये वही बंदा वो सही तरह जान सकता है जो मेरी तरह सुबह सुबह उठ के गर्म 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 रज़ाई में से, गर्म गर्म कंबल में से निकल के कॉलेज जाता था। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, कॉलेज चलते हैं, पहले तैयार होते हैं फिर कॉलेज चलते हैं। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी अभी लाइक करें, बस मुझे नहीं पता अभी अभी लाइक करें। तो बस अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए, बाबा के साथ जाएंगे छोड़ने और वापसी टाइम दोस्तों के साथ आऊँगा। तो चलते हैं कॉलेज, कॉलेज में मिलते हैं आपको। एक क्लास से बंक मारा और एक मैं ये बैठा, बाकी वो दूसरी क्लास में बंक मार के बैठे हुए क्लास में, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। हम किसी के पास बुक नहीं है इस वजह से हम बैठे हैं, बुक नहीं है हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी जैसे पीरियड ओवर होता है तो क्लास में जाते हैं। चलो आपने किधर जाना भाई? हमने जाना है अभी ये क्लास में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई? से बात हो रही है, उसने कहा घर चले जाओ। सर ने कहा कि मरी चलते हैं 8-9 रुपए की दाल। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं, आप पढ़ाना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दूंगा, मरी जाएंगे दाल बेचेंगे 8-9 रुपए की। ये जो बंदा ना, ये बासी है मरी का, अभी सारे आए यहाँ पर बैठे हुए थे हम तो सारे इसको कहते हैं कि कहाँ क्यों, कहता मरी का, कहता छोड़ तूने क्या पढ़ना है, हम मैं भी नहीं पढ़ाता तुम भी ना पढ़, हम जाते हैं वहाँ पर मरी में, मरी जाके वहाँ पर होटल डालते हैं और अपने यशी मारते हैं। कहता ठीक है चल, 8-9 रुपए की दाल बेचेंगे कल इंशाल्लाह, सुबह 6 बजे हम दोनों चले जाएंगे, सर भी जाएंगे गाड़ी जो। तो अपने भाई को सर इन्वाइट करूँगा, सब भाइयों को, जब होटल सबको बुलाऊँगा इंशाल्लाह, अच्छी पार्टी मारेंगे, पार्टी मारेंगे जब होटल बन जाएगा तब। होटल इंशाल्लाह जल्दी बनेगा, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर होटल बन जाएगा। तो सर मैं उधर रहूँगा और सर दाल गर्म करके आप लोग सभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भाइयों को जल्द बुलाऊंगा। 12 तारीख ये आ गया सारे हमारे जूस में, जूस एक ये बंदा, एक ये बंदा सर ने ऐसे बोला कि तू मैं दोनों पढ़ाई छोड़ते हैं और मरी में जाके होटल डालते हैं, और इंशाल्लाह हमारा होटल 12 तारीख को ओपनिंग सुन है, मैं ओनर बैठूंगा इंशाल्लाह, दाल गर्म करके 800 रुपए की गर्म करके। बस अभी आखिरी पीरियड रह गया, आखिरी पीरियड नहीं लगी यार, कोई नहीं है, आखिरी पीरियड रह गया, आखिरी पीरियड लेते हैं और चलते हैं। आपको जरा कॉलेज विजिट कराते हैं, क्या बताते हैं ये क्लास, ये अगली हमारी क्लास जिसमें हम नहीं जा रहे, ये है हमारी क्लास और हम यहाँ से निकलेंगे और हम नहीं गए, सर ये खड़े हैं, तो ये सारे जूझ में जूझ यहाँ पर बैठे हैं, एक सारे ये खड़े हैं। अब ऐसा जाते हैं मोटे नाक वाला, सारे यहाँ पर ये बैठे हैं, धूप लगा रहे हैं और धूप लगवा रहे हैं, आखिरी पीरियड है और इसके बाद बस ये पीरियड खत्म होगा और हम निकल जाएंगे, आधे बंदे वो निकल गए, वो जा रहे हैं, वो हमने गार्ड बैठा हुआ है। मैं जा रहा हूँ, ये हमारी क्लास का, हमारी क्लास का सबसे छोटा बच्चा है, नहीं सबसे छोटा वो आज आया नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा बच्चा है, सबसे बड़ा क्यूटनेस है और लोडेड है इस पे, ये मैच है हमारी क्लास, आपको बाहर निकाल दी का कोई चक्कर नहीं होगा, चलो क्लास को निकालेंगे, क्लास में चलते हैं, अरे क्लास में जा रहे हैं, क्लास में देखते हैं सर अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते, मैं कैमरा यहाँ से बंद कर दूंगा। सुबह के तुम सुन लगे वो कहते बड़े क्यों छोटी लोग समाज में बड़े क्यों नहीं हैं वो आपने
श्रीलंका से मंगाए थे उन लोगों को अपने डेकोरेशन के लिए एक जी बंदा बैठा है। यस सर, सर इधर पढ़ा रहे हैं। एक वो पीछे और चलो बस सारे खड़े में यहाँ पर हमें गार्ड जाने ही दे रहे बाहर। ये है मैजिक बॉल दे, हमें बाहर जाने ही दे रहे। वो देखो बाहर जो फिलहाल यहाँ पर ऐसे खड़े में कैसे वो जाते तक चलते अरबाज इधर देख जरा। इसका नाम मैं आपको बता दूं कि अरबाज है इसका नाम और इसको हम कहानी बोला था। निकल चुके हैं कॉलेज से बाहर, बस ये था हमारा कॉलेज। तेरा मोटरसाइकिल यहाँ पर किधर आ गया? आपने मोटरसाइकिल वहाँ पर खड़ा किया था और यहाँ पर खैर इसके लिए नहीं दिया था ये मैंने मोबाइल। बस अब घर चलते हैं वापस, मैंने सदर जाना है, सदर में काम था बंदे से, वैसे वो काम करते हैं फिर घर चलते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देती है, ये हमारा खर्चा खड़ा हमने वहाँ पर किया था और यहाँ पर आ गया। तो ये इसके उधर पड़ गया है, बेंच टेक्नोलॉजी ग्रुप में सेंड कर। ओ यार एक्सीडेंट हो गया, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये भी बताओ, ये था ये बंदा था और एक ये बंदा, दोनों इसके अंदर चले गए। इनको लगी भी है, वो सारा फट फूट गए और ये ओवर स्पीडिंग में थे, ऐसे यहाँ पर जाके उसके अंदर चले गए। राम 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 जा, कौन चला कौन रहा था, कौन चला रहा था, तू चला रहा था? हेलो अब ओवर स्पीडिंग किया भाई आपने, संभाले नहीं हुआ, सारी मोटरसाइकिल फारे हो गया भाई, भाई का रिक्शा वाला बच गया। ये बस क्या कर देता है, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। जो जो लड़के हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो आराम से चला कर देखे, अभी उस रिक्शे के अंदर जाके पड़े हैं दोनों ऐसे करके। देखी कहाँ लगी भाई, ये थी सारी ओपो, ये इसकी लकड़ी भी है सारी सारी बैग मेरी भी हुई थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 5 दिन पहले, मैं इस वजह से मेरे ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे थे, तो अभी जो है मेरे जख्म वगैरह जो है वो ठीक हो गए और ये एक्सीडेंट हो गया। हाथ छोड़ के चला रहे हैं भाई, ऐसा तो होगा ना फिर। और तेरी वजह से वो देख पैंट पैंट सारी घिसी गई है। ये मारे मैकेनिक इनके गियर वगैरह जो है वो साथ जुड़ गए। ये देख निकल रहा है, लगा गियर अब हो गया जी, सही हो गया थोड़ा बहुत। मैंने भी मारी है, ये इंड से मारा है मैंने तो वो सेट हो गया। और ये दो बंदे हैं, ये दो एक्सीडेंट हुआ और ये हंस रहा है बगारत। खैर देखा बोल रहा है स्टार्ट स्टार्ट कर स्टार्ट हो तो चलो जी हो गया जी, ये अरबाज साहब ने कर दिया डॉक्टर मैकेनिक मैकेनिक आज 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 उसकी लकड़ी की है। उस दिन मेरे प्यासे थे माम, जब गिरे हैं ना मेरे प्यासे थे, तुम ये कर रहे हो तुम वो कर रहे हो, ये लोग मेरे हमारे प्यासे थे मेरे पे और उस लड़के पे हमारा जब इंसिडेंट हुआ है। आज ये देखे जी अब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे हो गया जी मोटरसाइकिल स्टार्ट। राम से जाना यार, राम से जाना, तू भी राम राम से चलाई पुत्र, मैं चलाऊंगा, मैं खुद चलाऊंगा ये राम राम से चलाई यार, ब्रेक आराम से चलाएगा यार। इसको मैं कहता हूँ ये तेज चलाता है ये, मैं या तो फिर कहीं और बच जाएंगे।
अगले जख्म मेरे सही तरह भरे नहीं है और ये दोबारा ये भी ये पंगे लेता है। ये क्या सिस्टम है? इंजेक्शन आना लगवाते हैं ना तो यार ये लगी है, इंजेक्शन लगवाना लाजमी है, राव लगवाते हैं यार इसको ज्यादा लगी है। चल यार बस चलते हैं, क्या इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं और उसके बाद ये दोनों सारे रक्षा जा रहा है उसके नीचे जाके पड़े हैं दोनों। और दूसरा तो आपको कौन लगा था? पहले भी एक दफा हुआ था गाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे पड़ा ये। गर्म है, पानी है, इसके बाद भर गया है कि यार संभाल उसके बाद ये छोड़ लाना चाहिए। मैं संभाल के चलाता हूँ, मैं कहता हूँ अब इसको मैं जो है बातों बातों में ले जाता हूँ। ऐसे ही ये चाचू का रक्षा था जिसमें अब ये दोनों जो है बीच में मैं फार्मेसी पे आया पर ये इंजेक्शन ही लगाते हैं। मोबाइल को देख तो कुछ हुआ तो नहीं है इसको इसको मोबाइल की पड़ी हुई है, एक वो सामने खड़ा बस। यहाँ पर अभी हॉस्पिटल है इस तरफ, वहाँ पर हॉस्पिटल में चलते हैं, उनको इंजेक्शन लगवाते हैं और फिर अपने अपने घर चलते हैं। खिदमत राजी अस्पताल इधर आ गए अब इनको इंजेक्शन लगवाते हैं वहाँ से ना। वो फार्मेसी भी गए, वो भी कहते हैं यार बस ही नहीं किया करो, तो बस इनको बोला भी है ना किया करो यार बस ही, हमारा भी ऐसे ही हुआ था इससे, बस इनको इंजेक्शन लगवाते हैं आपको दूर। ये कहाँ से लेके जा रहा है हमें हॉस्पिटल में जा रहे हैं और चलो रिसेप्शन में चलते हैं, उनसे कहते हैं इंजेक्शन लगवाना है। अस्सलाम वालेकुम, इंजेक्शन लगवाना है यार, इससे एक्सीडेंट हो गया। टेटनस का इंजेक्शन है ना, दो एक्सीडेंट हुआ जी, ये भाई से ले वो चले गए, ये दो इश्तियारी मारे। कहाँ से लगवाना है? कितना टाइम लगेगा? बैठ जाओ यार। क्या हो गया भाई, कैसे हुआ सब? बस इसकी मेहरबानी से ये बैठे हैं। छोटा बच्चा हमारा, क्या किया? कीड़े खा रहे थे इसको उसको ना चक मार रहे थे तो एक लोग गिर गए अभी हॉस्पिटल में, नहीं पता नहीं किस टाइम नंबर आएगा और किस टाइम इनको इंजेक्शन लगेंगे। ये है जी इनका हॉस्पिटल, अंदर गए हैं जी। हॉस्पिटल किस लिए होता है कि अंदर जाके कोई बीमारी बना होता है उसका इलाज होता है, पर ये अंदर गए हैं तो कहते हैं हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है, आप बाहर से लेके आए अपना इंजेक्शन हम लगा देंगे। वाह 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 वाह, ये अलखिदमत राजी हॉस्पिटल है इसे, और कहते हैं आप इंजेक्शन ले आए अपना हम लगा देंगे। भाई हॉस्पिटल क्यों इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है लगा के रखी हुई है आप लोगों ने, जब आपके पास एक इंजेक्शन नहीं है बीच में, यहाँ पर कोई मरीज़ आ जाए तो फिर बंदा क्या करे यार, तो लिहाजा सोचना चाहिए इनके। क्यों जब बात भी यस बिल्कुल ऑफ कोर्स सोचना चाहिए। तो अभी बस चलते हैं यार, किसी क्लिनिक में ही चलते हैं, वो ठीक है क्लिनिक बेहतर है, ऐसे ही हम हॉस्पिटल में आ गए हमें नहीं पता था। और यहाँ पर ये सेटलर टाउन में हॉस्पिटल, मैं यहाँ के रहने वाले जितने भी हैं अगर कोई देख रहा है तो जी बोलूँगा कि एमरजेंसी की सूरत में इस हॉस्पिटल में ना, क्योंकि पहले हमें इन्होंने आधा घंटा वेट करवाया कि आप वहाँ पर बैठे हम आपको बुलाते हैं, फिर इन्होंने आखिर में बोला कि हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है आप बाहर से लगवाओगे, बस इनको हम भेज रहे हैं ये वहाँ से लगवाएंगे, ठीक है मिलते हैं फिर इनको। जी हमने भेज दिया क्योंकि हमने क्या यार अपने इलाके से लगवा लेना यहाँ पर, अब हम मज़ा बहुत है कब हम चाट खाने जाएंगे, ये शमीर खिलाएगा हमें चाट, पागल है
खिलाऊंगा, मेरी लॉटरी निकली है यार। अभी देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं अच्छी चाट होगी। अच्छा, तो मैं शुक्र यार, मैं जो बात कर रहा था कि उनको हमने भेज दिया, वो अपने इलाके से लगवा लें, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है, हमारा इलाका नहीं है ना, हम इलाका गैर में आगे पढ़ते हैं, तो बस वो वहाँ से जाके लगवाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं घर, इसकी पता नहीं चाट शाट देखते हैं, चाट खाते हैं। पहुंच गए हैं जी जमजम पे, यहाँ से घर के लिए पैक करवाते हैं चाट, और इसको तो मैं नहीं खिलाता, मैं घर के लिए पैक करवाऊंगा चाट यहाँ से, तो फिर लेके जाते हैं ये चाट इनके पास मिलते हैं। ये बताए दही भल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, सब कुछ आप क्या लेने चाहते? हमने ले लिया ये चाट, और अब इसके बाद घर चलते हैं। ये जमजम आए यहाँ पर विजिट करें आप भी, बड़ी रोड पे अंडर पास के साथ ही, नीचे अंडर पास है और ये साथ ऊपर ये मार्केट है जमजम। हेलो जी भाई, अभी चलते हैं घर वापस, घर पहुँच चुके हैं और सब चलते हैं अंदर। तो गाइस हम घर आ चुके थे, घर आके हम फ्रेश हुए, खाना शाना खाया, और उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई लेके बैठ गई, क्योंकि पढ़ना तो है ना लाजमी। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पर अपना करते हैं एंड, और ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, एक्सीडेंट हो गया उन बेचारों का, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हंसे भी बहुत हैं और दुख भी हुआ है कि यार उनका एक्सीडेंट हो गया, बट यह है कि एहतियात से चलाना चाहिए मोटरसाइकिल, और ये तो है ही गंदी एक सवारी, बट यह है कि अब आना जाना है रोज़ का, तो यह है कि ध्यान से चलाना चाहिए मोटरसाइकिल और ख्याल रखना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी जल्दी आप लोगों गेन हो। तो वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।